तो पश्चिम बंगाल में आज पंचायत चुनाव के लिए सुबह से वोटिंग हो रही, लेकिन कई इलाके ऐसे हैं जहां पर लगातार हिंसा की तस्वीर मिल रही है। कहीं फायरिंग हो रही है तो कहीं बमबाजी की घटना सामने आई। वहीं हिंसा में अब तक 7 लोगों की मौत भी हो चुकी है, तो कई जगह बैलेट बॉक्स को आग के हवाले कर दिया गया। तो कई जिलों में बमबाजी, फायरिंग, चुनावों का बहिष्कार भी लोग कर रहे हैं। कहीं पर बम की बरामदगी हो रही है, बैलेट पेपर को जलाया जा रहा है। सुबह 7 बजे से मतदान हो रहा है पश्चिम बंगाल में, और जगह जगह से हिंसा की तस्वीरें सामने आ रही हैं। ये तस्वीर आपके सामने, जिसमें आप देख सकते हैं किस तरीके से आगजनी हुई है, यहाँ पर बमबाजी की खबर भी सामने आई। और ऐसे कई जिले हैं जो हिंसा की जद में हैं पश्चिम बंगाल में। सबसे परेशान कर देने वाली तस्वीर यही है, क्योंकि यहाँ पे देखिए बैलेट बॉक्स जला दिए गए। और इस वक्त एक और बड़ी खबर मिल रही है पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव से जुड़ी हुई। कोलकाता में चुनाव आयोग पहुंचे बीएसएफ के आईजी। तो इलेक्शन कमीशन पहुंचे हैं बीएसएफ के आईजी कोलकाता से। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, राज्य चुनाव आयोग से मुलाकात उन्होंने की है। इलेक्शन कमीशन पहुंचे बीएसएफ के आईजी, राज्य चुनाव आयुक्त से मुलाकात उन्होंने की। और धर्मेंद्र प्रधान ने ममता सरकार पर निशाना साधा है और कहा है कि बंगाल में जारी हिंसा को लेकर उन्होंने कहा कि बंगाल में संवैधानिक व्यवस्था नहीं है, किसी का आदेश नहीं मानती सीएम ममता बनर्जी। पुलिस प्रशासन पक्षपात कर रहा है, बंगाल में जारी हिंसा को लेकर यह निशाना साधा। बंगाल में सारा व्यवस्था असंवैधानिक कामों में पूरा लग चुकी है, ना वहाँ की सरकार राज्यपाल के आदेश को कोई सम्मान करते हैं, हाईकोर्ट के आदेश को सम्मान करते हैं, सेंट्रल एजेंसी रहनी चाहिए हाईकोर्ट की ऑर्डर रहा। ये सारे प्रिकॉशंस के बावजूद जब जमीनी स्तर पर जब स्थानीय पुलिस और प्रशासन खुद ही पार्शियल हो जाए और बायस्ड हो जाए और राजनीतिक दृष्टि से काम करे, ये तो संवैधानिक व्यवस्था इसको नहीं कहा जाता है। और विशेष करके डेमोक्रेसी में हिंसा की कोई स्थान नहीं है, लेकिन वहाँ की स्थानीय सरकार जनाधार खो चुकी है, उसकी भय से वो हिंसक प्रवृत्ति अपना रहे हैं। Zee News.